प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की एक और सुबह आप लोगों से परमेश्वर के वचन से मुताबिक होने के लिए परमेश्वर ने ये एक और दिन दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के पवित्र दिन एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसका 40वां वचन। इस प्रकार लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। घटना इस प्रकार है, यीशु मसीह अपने शिष्यों को आने वाले न्याय के दिन के बारे में समझा रहे हैं। 31 से लेके 46 वचन तक उन बातों के बारे में प्रभु बोलते हैं। मैं सारे वचनों को नहीं बोलूंगा, लेकिन 31 से लेके 39 वचन तक के भाग में आपके ध्यान को लाऊंगा। वहाँ पे लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब स्वर्गदूत आएंगे सबके साथ, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर वह विराजमान होगा, तब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा, और दाहिनी वालों से बोलेगा, धन्य है मेरे पिता के लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और आगे चलकर यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। इतनी बातों को सुनते ही जो दाहिनी ओर थे वे लोग बड़े आश्चर्य करने लगे कि प्रभु हमने कब तुझे इन अवस्थाओं में देखा, कब हमने तुझे भूखा प्यासा नंगा और बंदीगृह में देखा। यीशु बोलते हैं, जो कुछ तुमने छोटे से छोटे भाइयों से किया है वो मेरे ही साथ किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहता है, जब आप किसी गरीब को देखें, किसी लाचार को देखें, किसी मुसीबत के मारे हुए को देखें, उनको आप नजरअंदाज कर आगे न बढ़े, लेकिन उनकी अवस्थाओं में, उनके परिस्थितियों में जरा उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हमारी जिंदगी में हो सकता है सब कुछ भला हो रहा हो, लेकिन जब हमारा पड़ोसी दुखी है, या हमारा सह विश्वासी, हमारा सह कुटुंबी, या हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदारों में से कोई, या राह चलते भी अगर आप किसी को देखते हैं परेशान बेहाल अवस्था में आप देखते हैं, ऐसे में अपना मदद का हाथ उनके बढ़ाने में आप कभी नहीं हिचकिचाएं। हो सकता है आपके दी गई छोटी सी मदद, हो सकता है आपके द्वारा किया गया छोटा सा सहायता उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर। और यीशु बोलता है, जो कुछ तुम इनसे करते हो वो तुमने मेरे साथ किया है। अर्थात जाने या अनजाने में हम प्रभु यीशु मसीह की एक अलग ही तरीके से सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको एक बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ, आज के दिन अगर आप किसी को बेहाल देखें, परेशान देखें, समस्याओं से घिरा हुआ देखें, हो सकता है हमारे पास उस समय देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हम कम से कम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, यीशु पर भरोसा रखें। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको क्षमता दिया है, आप किसी न किसी तरीके से उनकी सहायता करने की कोशिश करें, क्योंकि वचन बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया है। मेरे भाइयों बहनों, देने से हमारा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उस समय के लिए हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रभु बोलता है तुम जाने अनजाने में मेरी सेवा कर चुके हो। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आज के दिन हम किसी न किसी की सहायता करें, हम किसी न किसी की मदद करें, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को वो अच्छा लगता है, उसे वो पसंद है, क्योंकि वह दिल खोलकर हमारी भी सहायता करता है। तो इन दिनों में आइए, जो हमारे पास आता है कम से कम उसे प्रार्थना करके भेजें, और कम से कम उसकी जो सहायता कर सकते हैं उसकी मुसीबत में, उसके कष्ट में हम उसकी वो मदद करें। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हे मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सुबह मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों और मित्रों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज के दिन प्रभु, अगर कोई गरीब लाचार या असहाय व्यक्ति अगर उनकी जिंदगी में आता है परमेश्वर, दिल खोल कर उसकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, कम से कम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे परमेश्वर तेरे लोगों की तो सहायता कर, तेरे लोगों की तो मदद कर, अपने बच्चों को तो संभाल मेरे परमेश्वर, एक उदार दिल उन्हें तो दे मेरे पिता, इन दिनों में गरीबों के सहारा बनने पाए और तेरे नाम की सेवा वो करने पाए, उनके हाथों को मजबूत कर, मनों को मजबूत कर,
यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो, आज का दिन आपके लिए मंगलकारी हो, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार जय मसीह की।